हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग गणित में अध्याय नंबर 6 मापन के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, मापन मतलब एक नापना भी होता है। तो बच्चों, आप लोग जो है घर में कित-कित खेलते ही होंगे, कित-कित खेल जिनमें क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो घर कैसे बनाते हैं बच्चों, अनुमान से। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग उसको जो है नाप के भी बनाने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग अनुमान और अंगुलियों से, बित्ता से और हाथ से मापने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो सबसे बच्चे पहले बच्चों, ये हम लोगों का क्या है, देखिए अंगुलियां हैं। तो अंगुलियों से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मापने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, कोई भी एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसको जो है मापने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ उठाएं, क्या है ये, पेंसिल। ये पेंसिल को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंगुलियों के द्वारा मापेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग मापने का कोशिश करते हैं। देखिए ये, देखिए इस तरह से मापेंगे हम लोग, ऐसे करके नहीं या ऐसे भी नहीं, हम लोग पेंसिल्स के यहाँ से लेंगे और ये मापेंगे। ये कितना अंगुलियाँ हुआ, 4। फिर देखिए हम लोग का पेंसिल बड़ा है, तो फिर इसको क्या करेंगे, इधर से एक बार घुमा देंगे तो ये कितना हो गया, 8। फिर देखिए बच्चों, अभी पेंसिल फिर क्या है, बड़ा हो जा रहा है। तो फिर से हम लोग अंगुलियाँ देंगे, दूसरा हाथ का अंगुली फिर, तो ये हो जाएगा हम लोग का, और 2 अंगुली लग गया, तो कुल कितना अंगुली हो गया, 10 अंगुलियाँ। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग 10 अंगुलियाँ इधर से नाप के देखें, फिर इधर से भी एक बार नाप के देखते हैं हम लोग, कहीं गलती ना हो जाए। तो चलिए बच्चों, इधर से मापते हैं एक बार, ये कितना अंगुली हो गया, 4 अंगुलियाँ। फिर देखते हैं, ये भी हम लोग लगा सकते हैं, ये मिला के कितना हो गया, 8 अंगुलियाँ। फिर देखते हैं कि 2 अंगुलियाँ बच रहा है, तो फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे फिर अंगुली देके, तो ये कुल कितना अंगुलियाँ हो गया, 10 अंगुलियाँ। तो कुल हम लोग का कितना हो गया, 10 अंगुलियाँ। तो इस प्रकार से हम लोग अंगुली के माध्यम से जो है क्या किए, पेंसिल का मापन क्रिया किए। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग इसमें आते हैं। देखिए जैसे हम लोग का है कि मेरी पेंसिल की लंबाई कितनी अंगुली है, तो देखिए बच्चों, ये मेरे द्वारा मापा गया अंगुली का है कितना है, 10 अंगुलियाँ। लेकिन आप लोग जो है क्या करेंगे, अपने अंगुली के द्वारा माप के अपना अपना पेंसिल की लंबाई यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार है मेरी गणित की किताब की लंबाई कितनी अंगुली है। तो आप लोग जो है, आप लोगों के पास अपना गणित किताब होगा ही, ये देखिए आप लोगों के पास अपना गणित किताब है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, अपने अंगुली के माध्यम से कितनी लंबाई होगा, वह लंबाई जो है यहाँ पर नाप के क्या करेंगे, यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग अपने अपने अंगुली की लंबाई नाप के लिखेंगे, क्योंकि सबका जो है अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, अंगुली के द्वारा मापने का तरीका सीखें। चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं, अब किसके द्वारा, बित्ता के माध्यम से नापने का कोशिश करेंगे। ये देखिए हम लोग के पास क्या है, ये हाथ है, इसमें हम लोग का बित्ता ऐसे करके नहीं नापेंगे, बल्कि कैसे करके मापेंगे बच्चों, ऐसे करके, ये अंगूठा और ये कानी अंगुली जो है इसके माध्यम से मापेंगे।
तो हम लोग ऐसे करके मापने से भी ये दोनों अंगुली के बीच की दूरी ही लेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे ही करके मापने का। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कोई भी वस्तु को टेबल से उठाते हैं और क्या करेंगे, मापने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मापेंगे क्या, आपका गणित की पुस्तक को ही माप के हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये बुक है, इसको हम लोग मापेंगे। किस प्रकार से मापेंगे, तो देखिए ऐसे करके ये कितना हो गया, एक बित्ता हो गया। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो फिर दो बित्ता जब हम लोग माप रहे हैं तो देख रहे हैं क्या, किताब छोटी पड़ जा रही है। तो हम लोग इसको फिर से करेंगे, कैसे करेंगे, तब फिर यहाँ से मापेंगे एक बित्ता, और इसके पहले हम लोग अंगुली के द्वारा सीखे हैं, तो फिर यहाँ से जो है इधर क्या करेंगे, अंगुली के द्वारा मापेंगे। तो ये कितना हो गया, ये बुक की लंबाई एक बित्ता और चार अंगुली। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये किताब माप लिए। अगर ये किताब छोड़ के हम लोगों के पास और सामान है, वस्तु है, क्या है, ये स्केल देख रहे हैं, ये स्केल भी है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बित्ता के द्वारा एक बार मापेंगे। तो ये हम लोग माप रहे हैं तो कितना हो गया, एक बित्ता, फिर यहाँ से लेंगे तो ये दो बित्ता हो गया, फिर यहाँ जगह बच रहा है तो इसको क्या करेंगे, अंगुली के द्वारा मापेंगे। तो क्या हो गया, कितना हो गया, ये दो बित्ता और चार अंगुली। तो ये हुआ हम मापें तो मेरा बित्ता के द्वारा इतना हो रहा है। लेकिन बच्चों इसको जो है आप लोग भी अपना अपना बित्ता से माप करके क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है हम लोगों का क्या है, गणित किताब की लंबाई एक है अनुमान से, एक है मापने पर, और दोनों में अंतर। तो ये जो मापें ये हम मापें, इसलिए बच्चों आप लोग भी अपना अपने हाथ बित्ता के द्वारा माप करके क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। और अनुमान से अगर बोलते हैं तो अनुमान भी कर सकते हैं, पहले अनुमान से यहाँ पर लिखिए, उसके बाद उसका वास्तविक मापन जो है वह यहाँ पर लिखते हैं और अंतर करते हैं। इसी प्रकार बच्चों आप लोग ये क्लासरूम का जो है खिड़की दरवाज़ा भी माप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग बित्ता के द्वारा अभी हम लोग क्या किए, मापन प्रक्रिया सीखें। अब हम लोग आते हैं हाथ के द्वारा मापने का तरीका सीखते हैं। तो बच्चों ये हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाथ। ये जो है मापने का तरीका हम लोग कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाथ। तो इस हाथ के द्वारा हम लोग क्या मापेंगे, अभी ये हम लोग यहाँ टेबल से इसी स्केल को उठाते हैं और इस स्केल को जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, हाफ से मापेंगे। तो ये कैसे मापेंगे, देखिए ये पेंसिल, ये स्केल है, स्केल यहाँ से हम लोग लेंगे और मापेंगे, तो कि ये कितना हुआ, एक हाथ, एकदम यहाँ से लेंगे, यहाँ देखिए हम लोगों का जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये अंगुली में बड़ा अंगुली जो आ रहा है, तो ये कितना हो गया, एक हाथ। और फिर हम लोगों का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाथ लेने के बाद कुछ लंबाई बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो फिर इसको देख रहे हैं बित्ता से मापने से भी क्या हो जा रहा है, स्केल छोटा पड़ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर अंगुली के माध्यम से क्या करेंगे, मापेंगे। तो ये हम लोग का कितना हो गया, एक हाथ और चार अंगुलियाँ। इसी प्रकार हम लोग ये बोर्ड को भी माप सकते हैं हाथ के द्वारा, और जहाँ भी बित्ता का ज़रूरत पड़ेगा फिर हाथ के बाद बित्ता में मापेंगे, फिर अंगुली के द्वारा भी माप सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है घर में जाके अपना क्या करेंगे, घर को भी माप सकते हैं या खटिया को भी माप सकते हैं, और माप के हाथ से जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हाथ की लंबाई लिखेंगे
और हाथ के बाद जब छोटा पड़ जाता है, एक हाथ नहीं होता है, तो फिर उसको क्या करेंगे, बित्ता से मापते हैं, तो वहाँ कितना हाथ और कितना बित्ता होगा वो अभी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों का अभी क्या क्या सीखें, अंगुली के द्वारा, बित्ता के द्वारा और हाथ के द्वारा, ये हम लोगों का तीन मापन सीखें। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर हल्का और भारी में, कौन हल्का है और कौन भारी है। तो ये बच्चों हम लोग कैसे पता चलेगा कौन हल्का है और कौन भारी है, तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों के पास एक नींबू है और एक बेल है, तो इनमें से आप लोग बता सकते हैं कौन भारी है और कौन हल्का है। तो बच्चों नींबू हल्का है और बेल भारी है, ये हम लोग कैसे पता चला, अनुमान से, अनुमान से हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखने में भारी लग रहा है, बड़ा है, और ये छोटा है। और इसी प्रकार हम लोग दो छोटा चीज़ लेते हैं, एक लेते हैं पेंसिल और एक चम्मच। अब इसमें बताइए अनुमान से कि कौन हल्का है और कौन भारी है। तो बच्चों क्या भारी है, चम्मच। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग ये अनुमान से देखें, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोल के भी देख लेते हैं वास्तविकता में कि हल्का है या भारी है। तो चलिए बच्चों, ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, तराजू है, छोटा तराजू है हम लोग का। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है दोनों क्या है, बराबर में हैं, बराबर दिख रहा है, दोनों सीधा में दिख रहा है। तो हम लोग अभी कौन वास्तविक में भारी है उसको हम लोग इसमें तोल के देखते हैं, जो नीचे आएगा वह भारी होगा और जो ऊपर उठेगा वह हल्का होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देते हैं, ये देखिए, ये जब चम्मच डाल रहे हैं इधर तो क्या हो रहा है, इधर भारी है क्योंकि वह नीचे आया है। फिर जब हम लोग पेंसिल को डालते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, ऊपर में है यानी हल्का है। अब बच्चों अगर हम चम्मच को यहाँ से उठा लेते हैं तो देखिए अब फिर ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे कि इसमें कुछ डाला हुआ नहीं है, इसलिए वह नीचे आ रहा है यानी वह भारी हो जा रहा है। इसके आधार पर फिर हम लोग चम्मच जब रखेंगे तो देखेंगे, देखिए चम्मच क्या है, भारी है। तो इसी प्रकार हम लोग आज जो है क्या क्या सीखें, तो आज बच्चों हम लोग क्या क्या सीखें, इसमें मापन में यानी नापने में, अंगुली के माध्यम से नापने, बित्ता के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, और एक सीखे हम लोग फिर हल्का और भारी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।